मैं दिलबाग ग्रोवर के राम राम। तो दोस्तों आज आप इस टाइम मौजूद हाँ राजौंद, राजौंद जो धर्मशाला है वहाँ मौजूद हाँ। यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और आपका दिखावांगे यहाँ। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है ये किस संस्था के द्वारा लगाया गया है? ये समस्त ग्रामवासी राजौंद के द्वारा लगाया गया है। हर साल हम यहाँ पर साल में दो बार डोनेशन कैंप लगाते हैं और युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं ताकि युवाओं को रक्तदान के महत्व के बारे में पता चले और लोगों के काम आ सके। इसीलिए हर साल समस्त ग्रामवासियों द्वारा साल में दो बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। अब तक कितने बंदे जो खूनदान करके जा चुके हैं? अभी तक 80 प्लस कैंडिडेट जिन्होंने रक्तदान किया है और भी बहुत लाइन में हैं, लग रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं और कंटिन्यू रक्तदान शिविर चल रहा है। तो ये जो मान लो रक्त है, जो खून है, ये कैथल जो अपना हॉस्पिटल है वही? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल कैथल की पूरी टीम आई हुई है, डॉक्टर साहब आए हुए हैं और हमारे गांव के ही सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर होशियार सिंह जी, जिनके संयोजन से और ग्रामवासियों के संयोजन से ये हर बार शिविर लगता है और उन्हीं का प्रयास रहता है, पूरे गांववासियों का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रक्तदान करें। और कितने बजे तक चलेगा ये? ये जब तक कैंडिडेट रहेंगे तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। जो अपने दर्शक देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं दर्शकों के लिए यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति रक्तदान के महत्व को समझे। रक्तदान क्यों हमारे समाज के लिए ज़रूरी है? क्योंकि दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, लोगों को समय पर रक्त नहीं मिलता। अगर हम रक्तदान करेंगे तो लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है जो उसके लिए वो पूर्ण हो जाएगी। और कोशिश ये रहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान किया जाए ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि रक्तदान करने से लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। और कई लोग अभी भी ये समझते हैं कि हमारे शरीर पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे रक्तदान करने से। ऐसा नहीं है, डॉक्टरों ने कहा भी है, साइंस भी मानती है कि जैसे ही हम रक्तदान करते हैं हमारे शरीर की प्रक्रिया है कि कुछ समय के बाद 24-48 घंटे के बाद हमारा शरीर का जो रक्त है वो पूर्ण हो जाता है। तो जो भी दर्शक अपनी वीडियो देखने लग रहे हैं, अगर वो रक्तदान करना चाहते हैं तो जो ये राजौंद में धर्मशाला है यहाँ आकर अपना खूनदान कर सका है। और अंदर भी आप तो दिखाओगे बहुत सारे साथी अपने जो रक्तदान कर रहे हैं। तो यहाँ अपने राम राम जी, ब्लड डोनेट कर दिया? हाँ जी बिल्कुल कर। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है जी, पहले भी कई बार तो भाई का लग भी रहा, बिल्ला बोल लेकर आपने, क्योंकि मन ने भी कर दिया है। तो हमने जो रक्तदान करने के बाद ही वीडियो बनानी शुरू करी है, उससे पहले हमने वीडियो नहीं बनाई। तो और भी हमारे यहाँ भाई हैं, भाई रुक जाना, भाई चलिए ना रहने दो भाई साहब। राम राम जी। कैसा महसूस कर रहे? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, कितनी बार खून दे दिया? मैं 4 से 5 बार। चौथी पांचवी बार? नहीं दे। तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा? ना जी, कोई दिक्कत नहीं। जो अपने दर्शक देखने लग रहे हैं वीडियो में, उन तक ये कहना चाहूँगा बस जी, खून रक्तदान करना चाहिए जी, किसी न किसी एक काम ही आता है जी, और बहुत से बड़े बड़े सर कर भाग लेना चाहिए इसमें। दोस्तों जो भी खूनदान करना चाहता है तो यहाँ आकर खूनदान कर सकता है। चेयरमैन का प्रत्याशी और ये हमारी भाई साहब नाम राम राम जी। तो ब्लड डोनेट कर दिया? हाँ जी। कितनी बार कर दिया जी? चौथी बार किया जी। चौथी बार किया। तो कैसा महसूस कर रहे हो? कोई शरीर में कमजोरी तो नहीं? ना जी, कोई कमजोरी नहीं आती। जो अपने दर्शक हैं कहीं आ गए न्यू मन में न्यू रहे जाए आप यार खून देगा वहाँ कभी उठा तो उठे नहीं जाए अपना पैर? ना जी भाई साहब, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती शरीर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर जिसका मन करे देने के लिए
खुल के दिल खोल के अपना खून दान कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब हैं, जानते भी हो गए डॉक्टर साहब। राम राम। राम राम जी। तो सर जो दर्शक है देख रहे हैं अपनी वीडियो, अभी तक खून देने नहीं आए, उसका बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो ऐसा है जी, खून तो दान देना चाहिए, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। आपके खून देने से किसी की जान बच सकती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर रक्तदान में आयोजन करो अपना, आओ और सब अपना दान दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं मेरे ख्याल 8वीं या 10वीं बार दे चुका हूँ, अब भी दे के आया हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं होती जी, इससे देना चाहिए खून। तो ये जो शिविर है कितने बजे तक चल रहा है? सर ये अब ख़त्म होने के कगार पे है, वैसे 9 बजे स्टार्ट हुआ था और 1 बजे तक का टाइम था। अब देखते हैं जैसे जैसे डोनर आएंगे वैसे वैसे चलेगा, अगर नहीं आते तो फिर क्लोज करना पड़ेगा सर। तो जो भी दर्शक अपनी वीडियो देखने लग रहे हैं, अगर वो खून देना चाहते हैं तो जो राजौंद की धर्मशाला है यहाँ पहुँचियो, खून देना चाहते हैं यहाँ के देश को, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सारा 10-15 मिनट का काम हुआ है, और इस तरह शरीर में कोई कमजोरी आंदी, बस थोड़ा अपने मन में बहम हुआ है और कोई ज़्यादा नहीं आंदा। Thank you.